नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, आप देख रहे हैं भोजपुरी की ताजा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। पहली खबर है भोजपुरी की जुबली स्टार दिनेश लाल रवा जी की तरफ से, जिनकी सुपरहिट फिल्म संकल्प इस फिल्म के शूटिंग के सेट से एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में दिनेश लाल रवा जी डांस कर रहे हैं, जो कि संकल्प मूवी के एक बहुत ही जबरदस्त और बड़े वीडियो गाने का शूट किया जा रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। अगली खबर है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के एक नए एल्बम गाने का पोस्टर आज शाम तक आप सभी के बीच आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज शाम तक पवन सिंह के नए एल्बम गाने का पोस्टर आ सकता है। अगली खबर है भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी की तरफ से, जिनका एक बहुत ही जबरदस्त और कमाल का वीडियो गाना आने वाला है, जिस गाने का नाम है बिहान ओखे द। इस गाने को रिलीज किया जाएगा 30 तारीख को सुबह 7 बजे कैप्टन वॉच हिट्स के यूट्यूब चैनल से। गाने को एक बार जरूर सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त और कमाल का गाना होने वाला है। अगली खबर है भोजपुरी के मेगा सुपरस्टार रवि किशन जी की तरफ से, जिनकी सुपरहिट फिल्म हिंदुत्व, इस फिल्म का शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, इसकी जानकारी दिए हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रेम राय अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से पोस्टर शेयर करते हुए। अगली खबर है यश कुमार मिश्रा जी की तरफ से, जिनकी एक बहुत ही शानदार फिल्म को टीवी पे चलाया जाने वाला है। फिल्म का नाम है दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। इस फिल्म को 2 दिसंबर शाम 7 बजे रैपचिक टीवी चैनल पे चलाया जाएगा। फिल्म को एक बार जरूर टीवी पे देखिएगा, बहुत ही शानदार फिल्म है। फिल्म के स्टार कास्ट में है यश कुमार और यामिनी सिंह। अगली खबर है रितेश पांडे के तरफ से, जिनका एक बहुत ही जबरदस्त गाना आने वाला है, जिस गाने का नाम है पागल कके गैले रे। इस गाने को आप सभी के बीच रिलीज कर दिया गया है जी म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे। जो लोग इस गाने को अभी तक नहीं सुने हैं, जी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं, बहुत ही शानदार गाना है। अगली खबर है भोजपुरी फिल्म लव एक्सप्रेस के तरफ से, इस फिल्म को दिसंबर महीने में ऑल इंडिया सिनेमाघर में रिलीज किया जाएगा, इसकी जानकारी दिए हैं इस फिल्म के एक्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से। और इस फिल्म के एक्टर हैं आनंद ओझा। और दोस्तों, आप लोग की आज की तक खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।